दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट के एडिट मोड में जा करके हम उसके अलग अलग वर्टेक्स और एज और फेसेस वगैरह सेलेक्ट करके उन्हें एडिट कर सकते हैं इस तरह से। और आज के इस वीडियो में हम एक्सट्रूड कमांड के बारे में जानेंगे। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों, हम किसी भी ऑब्जेक्ट का फेस सेलेक्ट करके आप मूव कमांड में आएंगे तो आप देखिए यहाँ से जो है इसे हम बड़ा घटा रहे हैं, तो इसमें कोई भी ज्योमेट्रिक चेंजेस नहीं हो रही हैं, सिर्फ ऑब्जेक्ट जो है बड़ा छोटा हो रहा है। और यदि हम इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं और अलग से जो है इसमें एजेस वगैरह ऐड करना चाहते हैं, एजेस के साथ जो है इसे बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको यहाँ से आपको सिंपली किसी भी एक को सेलेक्ट करना है। सबसे पहले हम फेस सिलेक्शन लेंगे इजली समझने के लिए, तो हमारा फेस सिलेक्शन सिलेक्ट है। अगर आपका सिलेक्ट नहीं है तो आप सिंपली थ्री कीबोर्ड से थ्री प्रेस कर लें, या फिर यहाँ से क्लिक करके भी आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अपने कीबोर्ड से सिंपली ई प्रेस करना है और आप देखिए कि इसमें जो है आपके ऑब्जेक्ट में ज्योमेट्री चेंजेस हो रहे हैं और आप जो इसे एक्सट्रूड कर पा रहे हैं। तो ये देखिए, आप इसमें से जितनी चाहें उतने इसे बढ़ा सकते हैं इस तरह से। जो है आप चाहें तो इसे रोटेट कर लेंगे यहाँ से, और यहाँ से रोटेट करके आप अलग से दूसरी फेस को सिलेक्ट करके और इसे आप एक्सट्रूड कर सकते हैं। इस तरह से आपको सिंपली ई प्रेस करना है और माउस को ड्रैग करके छोड़ देना है लेफ़्ट क्लिक करके, और आप चाहें तो यहाँ से जो है इसके ऊपर भी आप बढ़ाना चाहें, तो यहाँ से बस आपको फेस को सिलेक्ट करना है और यहाँ से इस तरह से आप चाहें तो सब डिवाइड भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपली सिलेक्ट करना है फेस को और इसे राइट क्लिक करना है, सब डिवाइड पर क्लिक कर देंगे, और यहाँ से आप इसमें नंबर ऑफ कट्स को ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आप एक है, हम यहाँ से दो करेंगे, तो ये देखिए यहाँ पर ये आगे डिवाइड हो गया है, और हम इसे और बढ़ाएंगे तो इसमें और डिवाइड हो जाएंगे, और फिर आप जो है इसे अपने हिसाब से यहाँ से सेलेक्ट करके आप चाहें तो इसे भी एक्सट्रूड कर सकते हैं, या फिर अपने आवश्यकता अनुसार जो है इस पर वर्क कर सकते हैं। ये देखिए चेंजेस हो रहे हैं। तो इस तरह से एफएक्स सिलेक्शन की सहायता से जो है आप अपना ऑब्जेक्ट एक्सट्रूड कर सकते हैं। और अगला पॉइंट जो हमारे पास है वो एज सिलेक्शन है, जिससे हम एज किसी भी एज को सिलेक्ट करके और उसमें हम चेंजेस कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं, जैसे कि हमारे पास ये एज, जैसे ही हमने यहाँ माउस ले गया और हमारी एक एज जो है सिलेक्ट हो गई है, और हम इसके बाद ई प्रेस करेंगे, तो ये देखिए हमारी जो एज है वो आगे की तरफ एक्सट्रूड हो रही है। इस तरह से जो है आप देखिए ई प्रेस करना है और ड्रैग करके छोड़ देना है, और आपका जो है ऑब्जेक्ट एक्सट्रूड हो जाएगा। और फर्दर इसे आप सब डिवाइड करना चाहते हो तो आप सिंपली इसमें जो है किसी भी एज को जो है सेलेक्ट कर लेना है आपको अपनी एज को यहाँ से, और यहाँ से राइट क्लिक कर लेंगे और सब डिवाइड पर क्लिक करेंगे, और आपका जो है ऑब्जेक्ट जो है तो जूम करते हैं ताकि इजीली दिखे। ये देखिए सब डिवाइड हो गया है। आप मल्टीपल फेसेस को एक साथ क्लिक करके एक्सट्रूड करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप शिफ्ट के साथ जो है मल्टीपल एजेस को सिलेक्ट कर लेंगे, और आप चाहे तो इसे सब डिवाइड करना है या फिर एक्सट्रूड करना है, तो आप इस तरह से इसे यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है अपने ऑब्जेक्ट को इसकी एज की सहायता से आप एक्सट्रूड कर सकते हैं, और इस तरह से आप जो इसे फर्दर सब डिवाइड करके अपने यूज में ला सकते हैं। यहाँ से आप जो इसे ये देखिए इसमें जो है अलग अलग कट्स लग रहे हैं, और फर्दर इन्हें चाहें तो आप यहाँ से सिंपली किसी एक को क्लिक करेंगे, देखिए अलग अलग कट्स लग गए हैं, और इन्हें एक्सट्रूड करेंगे तो आप देखिए इसमें से सिर्फ एक जो है निकल के बाहर आए, और आप उसे अपने यूज में ला सकते हैं। अगला पॉइंट जो हमारे पास है वो वर्टेक्स सिलेक्शन है,
इसके हेल्प से हम किसी भी एक नोड को सिलेक्ट करेंगे और उसे एडिट कर पाएंगे। एडिट करने के लिए आपको जी प्रेस करना है और आप उसे जो है मूव कराकर उसे एडिट कर सकते हैं। और इसी प्रकार जो है आप चाहे तो इसे एक्सट्रूड करना है, तो आप देखें यहाँ से सिंपली एक जो है लाइन इसमें से निकल के आ रही है और आप इसे आगे जो है इसे एक्सट्रूड करना चाहते हो तो आप चाहें तो यहाँ से अब इसी एज को सिलेक्ट कर लेंगे। दोनों एज को सिलेक्ट करने के लिए आपको शिफ्ट के साथ लेफ्ट क्लिक करना है और दोनों एज सिलेक्ट हो जाएंगी। इसके बाद आप ई पे क्लिक करेंगे और ये देखिए आप जो है इस तरह से आप उसे एक्सट्रूड कर पाएंगे। तो ये था आज का वीडियो जो कि एक्सट्रूड कमांड के बारे में था, और इस तरह से जो है अपने ऑब्जेक्ट में आप उसे बढ़ा घटा सकते हैं और चेंजेस कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जो भी हम अपना वीडियो अपलोड करें वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे और आप इजीली जो है सीख पाएँ। धन्यवाद।